हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पद्मिनी की मिनी किचन। आज आम मुनुगा शाग भजा तैयारी करवा। जदि आपण मोर ए भिड भल लगे तो लाइक करेंगे, सेयार करेंगे और प्रथम थर देखुं तो सब्सक्राइब करे, बेल बटन को भी प्रेस करे, मोर नेक्स्ट भिड गुड़ को आपण मैंने देखिपर। मुनुगा शाग रांधापी कौन कौन सामग्री लगे प्रथम देखने पा। मुँ मुनुगा शाग बाछिक धोईक रखी कखारु 100 ग्राम नहीं। पश्चिम ओडिशा रे माखन मध्य कहा जाए ताकि काटिकी रखी और गोटे बड़ प्याज को काटि देछि और 5-7 कोला रसुण नहीं। कखारु बड़ी 8-10टा नहीं छे। आपण जदि चाहिए यहाँ स्किप कर पारंती। सोरिष और 2टी सुखा लंका नहीं छे। लुण स्वाद अनुसार नहीं छे ओ तेल ओ पानी नहीं छे। माखन को सिझाइबा पाए प्रथमे गोटे कड़े नबा, सेतरे गोटे ग्लास पानी डालिबा, छोटो गोटे ग्लास हबो। तापर सेतरे कखारु को देबा, ताकू 5 मिनिट सिझापी दवा। मोर कखारुटे सीझी जाए गोटे जगार काढ़ी नवा। हाँ कड़ेटी गरम हो जाए तीन चमच तेल ढाल्वा। तापर कखारु बड़ी को भल भाव भाजी नबा। कखारु बड़ी को भल भाव भाजवाक पड़ ना शी भल लगे। भल भाव भाजवाक पड़ आम बड़ीटे भजा हो जाए। ताकू काढ़ी नबा, गोटे प्लेट रे काढ़ी नबा। आम कड़ी तो गरम हो सारी फिर 2 चमच तेल देखी सोरिष फुटाई नबा प्रथमे। तापरे रसुण दे देबा। रसुण टी भाजी हो जाए प्याज को दे दबा। प्याज को टिके भल भाव भाजवाक पड़ प्याज भाजी हो गला टिके। तापर सुखा लंका को देदबा। तापर सब कुछ मिसेक भल भाव भाजी नवा। प्याज टी भाजी हो जाए रसुण प्याज भाजी हो गला। तापर आम मुनगा शाग को पकाइबा। भल भाव भाजी नवा। शाग को भल भाव भाजी नवा। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ସେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ଯଦି ଭାଜି ହୋଇଗଲା ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ଭାଜି ନେବା ଠିକ୍ସେ। ଶାଗଟି ପ୍ରାୟ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି।
ଟିକେ ପୁରା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଆମର କଖାରୁ ଆଉ ପଡ଼ିକୁ ପକାଇବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଆଉ ଥରେ ଠିକ୍ସେ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କଖାରୁ ବଡ଼ୁ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଆମ ଶାଗଟି ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଟିକେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଶାଗଟା ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା, ଆମ ମୁନୁଗା ଶାଗ ହୋଇଗଲା। ଆମର ମୁନୁଗା ଶାଗ ଭଜା ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।